एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। और फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिख दिया है, वो कह रहे हैं कि आपको एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, वो इक्वल्स टू अ गिवन नंबर लैम्डा। ये जो साइन है ना, इसे कहते हैं लैम्डा, LAMBDA, ठीक है, मैथमेटिकल साइन है। तो इसको आपने इसका याद रखिएगा, कहीं MCQs में आपसे पूछ ही ना लें बोर्ड वाले। तो सबसे पहले इसका कहने का मतलब ये है कि सम और प्रोडक्ट जो इस रू इस के होंगे, इस इक्वेशन के होंगे, वो एक गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल हैं। मतलब ये है कि सम भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। और अगर हम इन दोनों पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो मतलब होगा कि सम और प्रोडक्ट आपस में भी इक्वल होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड ए इज़ इक्वल टू सी, देन बी इज़ इक्वल टू सी, ठीक है, थ्योरम्स में हमने ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हुआ। इसी तरह फिर आपने सम और प्रोडक्ट को भी लैम्डा लैम्डा के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे। चलें जी, अब डायरेक्टली हम सम फाइंड कर लेते हैं। एस इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, बिल्कुल सेम जैसे आप पिछले ढेर सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होगा माइनस इनटू बी डिवाइडेड बाय ए। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ये स्मॉल ए होती है, और एक्स के साथ जो वैल्यू है दैट इज़ स्मॉल बी, और कांस्टेंट जो वैल्यू है दैट इज़ स्मॉल सी। तो माइनस बी बाई ए इसका फार्मूला है, हम पहले इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको चेक कर चुके हैं। तो फिर आपने माइनस बी की वैल्यू करनी है, बी की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ 7m - 5 डिवाइडेड बाई ए। ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, दैट इज़ 2m + 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने सम फाइंड कर लिया, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो p इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फ़ा बीटा से ये रिप्रेजेंट होता है। और प्रोडक्ट का फार्मूला c बाई ए है, तो c की वैल्यू हमारे पास 3m - 10 है, और डिवाइडेड बाई ए ऑलरेडी हमारे पास 2m + 3, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने सम और प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में सम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो सम की वैल्यू आप लिख दें, सम की वैल्यू है -7m - 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3, ये मैंने लिख दिया जी सम की वैल्यू। और प्रोडक्ट की अल्टीमेटली वैल्यू आपको नज़र आ रही है 3m - 10 डिवाइडेड बाई 2m + 3। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सम और प्रोडक्ट को इक्वल कर दिया है, जैसे कि कंडीशन में गिवन था, क्वेश्चन की कंडीशन में। तो अब नेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे भी डिनोमिनेटर 2m + 3 है, राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर 2m + 3 है, तो क्यों ना हम 2m + 3 से लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इनके कैंसिलेशन से हमारे पास, और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, हम माइनस बाहर ना इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -7m + -5 हो जाएगा, ब्रैकेट में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और राइट साइड पे तो सिर्फ 3m + -10 है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब आपने m को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, ये मैरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, और 5 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें तो -7m - 3m, क्योंकि ये 3m है ना, लेफ्ट साइड पे आप लेकर आए हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। और राइट साइड पे है -10 और +5 राइट साइड पे ट्रांसफ़र होगा तो -5, साइन इसका चेंज हो जाएगा। -7 - 3 इक्वल्स टू -10m, वाइल -10 और -5 को ऐड कर लें तो ये -15 बन जाएंगे। और इसी तरह m इज़ इक्वल टू 10, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो -15 डिवाइडेड बाई -10 हो जाएगा। अब ये 10 के टेबल में दोनों कैंसिल हो रही है, माइनस साइन भी कैंसिल हो रही है, तो 5 3 टाइम 15 एंड 5 2 टाइम 10, तो अल्टीमेटली m इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 3/2। लें जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। इसका आंसर आप बुक से चेक कर लें, मैच कर लें, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। और पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम यही मेथड अप्लाई करते हुए, मैथमेटिकल स्टेप्स को अप्लाई करते हुए आप उसको सॉल्व करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा।